इतना डर लग रहा था ना, हैरी रोया था ना, बरेली जंक्शन और हैरी ने कर दिया दिमाग खराब। किसने मारा? गर्मी तो पानी, मम्मी पापा क्या क्या चाहिए? मैं रेस्ट रूम में आई थी और आप देखो वहां पे मुझे कि वो क्या दिखा, देख पा रहे हो आप? मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मेरे पीछे ही है। चलो चलो रेस्ट रूम में अशोक जी हमारा वेट कर रहे हो, कह रहे हैं इतनी देर से आए नहीं, इधर से बैठो। बरेली का रेस्ट रूम हमें पता है वहाँ पे कौन मिला? बताओ कौन मिला? विशु को मिला उसका छोटा भाई और मुझे मिला बहुत बड़ा चूहा। तो बरेली में मेरा स्वागत हुआ इतने बड़े चूहे से। बरेली का वेदर कुछ ऐसा है चिपका चिपका सा, ठंडा बिल्कुल भी नहीं है। और यह है बरेली का रेलवे स्टेशन। अभी हमें कहाँ जाना है आई डोंट नो, अश्विन जी ने पता किया है या नहीं किया है? किधर जाना है? मैं पता कर लिया आपने? इधर चलो चलो चलो। और ये है एग्जिट। तो बरेली में मेरा, मैं अपने आप ही स्वागत कर लेती हूँ। ये है बरेली जंक्शन और यहाँ पे अश्विन जी डिस्कस कर रहे हैं ऑटो वाले भैया से कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं बताओ। अब यहाँ पे आके मैं आपको बताती हूँ भाई, ट्रेन में जो भीड़ थी और यहाँ पे जो उमस हो रही है। एंड अभी ना क्या है, हम ससुराल नहीं जा रहे हैं, जहाँ पे शादी है ना डायरेक्ट वहीं पहुँच रहे हैं। तो थोड़े देर बाद मेरे सिर पे पल्लू आ जाएगा एंड उसके बाद मैं आई डोंट नो शूट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। इससे पहला वाला व्लॉग आप ज़रूर चेक करना, उसमें मैंने पूरा घर का दिखाया है कि किस तरीके से मुंडन की तैयारी हो रही है घर पे। और कल के ही हम यहाँ पे हैं एंड नेक्स्ट डे हम निकल जाएंगे। तो कल में क्या होने वाला है मुझे खुद भी नहीं पता है। कहाँ हो? बरेली। मुझे बता, तेरी जेब में पैसे नहीं है? दिल्ली आते ही पता नहीं ऑटो वाले भैया को क्या हुआ, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आपको दूसरे ऑटो में बैठा देता हूँ। तो भैया बुलाने गए हैं दूसरे ऑटो वाले भैया को। मजे तो अब आएंगे अशोक जी, उतरने का स्वागत हो चुका है जाने से पहले। भैया ने इस ऑटो से ऑटो में हमें ट्रांसफर कर दिया है। ये ऐसा नहीं लग रहा वैष्णो देवी टेम्पल के जैसा, जैसे वैष्णो देवी टेम्पल है ना ये वाला एरिया बेबी ना, जहाँ पे वो पर्ची वर्ची कटती है देखो। हम तो पार्टी निपटने के बाद आ रहे हैं। विशु कहाँ जा रहा है शादी में? पार्टी में एंट्री होते हुए जाओ हरी बच्चा, जाओ जल्दी आगे जाओ। हेलो भैया, मैंने इनको यहाँ पे इनकी ससुराल की शादी में लेके आ गया हूँ, जहाँ 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 इनके भांजे वगैरह सब हैं। इधर प्रधान जी हैं ये, ऐसे समझ लो बिल्कुल। अच्छा, और क्या समझ गए, प्रधान जी अंडर में रहते हैं। गाइस खाना बहुत लजीज बना है, रसगुल्ला पकौड़ी एंड यहाँ पे है। अरे क्या खा रहे हो? लड्डू। कैसे खाते खा के दिखाओ। कुछ पीने
का मन कर रहा, जाओ रोक लो। तो ये है पूरा पूरा बैंकट हॉल का सीसीटीवी कैमरा, सब लोग जा चुके हैं और हम रूम में हैं, और ये जो बच्चे हैं ना ये सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। सो जाओ जल्दी, नहीं निकाल लो फोन देखे। करेंगे पहले उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, मे भी शायद से हमें कहीं जाना है अभी। ठीक है, मैं उठ गई छो गया, बाहर आ चुके हैं और इन दोनों का पोज ले रहे हैं। अश्विन जी, बारिश हो गई थी। हेलो एवरीवन, मेरी बेटा एक पोज दोनों का पल्लू डालना है और ये मेरा झुमका गिर गया। देखो मेरी तरफ, ठीक है। रात में ना भाई इतनी बुरी हालत हो गई थी, मैं आपको क्या ही बताऊं, डर के मारे ना कपकपी छूट रही थी। पहले मैं झुमका पहनती हूँ फिर बात करती हूँ। मैंने तो पता है, मैंने डर के मारे इनको पता क्या बोला, मैंने कहा जो सीसीटीवी कैमरा है ना उसकी वीडियो बनाओ, और फिर इन्होंने वीडियो बनाई और फिर हमने देख नहीं रहे थे उस वो तो आप हाँ, तो यहीं पे घूम रहे थे ना तीन चार लोग, वही आपके उसी साइड के तो थे। हाँ, तो बहुत डर लग रहा था, मतलब इतना डर लग रहा था ना, हैरी रोया था ना। मैं बताती हूँ कि तेल में क्या हुआ, तो मैंने पता हैरी का मुंह तक बंद कर दिया था, और मैंने विशु बेटा कुछ गलत मत करना, इधर आओ। चलो दोनों के धने नीचे खड़े हुए, विशु हाय। हैरी तो देखोगे कोल्ड ड्रिंक पीना है, अभी घर जाके पीएंगे, ठीक है। इधर भी देखो डेकोरेशन हो रखी है, नहीं मतलब इवेंट रिसेप्शन वाला इवेंट यहाँ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लगन और भात वाला था, और अभी जो रिसेप्शन वाला इवेंट है ना उसके लिए दूसरा बुक करा रखा है, और यहाँ पे उड़ रहे थे, हमारे यहीं पर बना रहे थे बाबू वीडियो ना। तो हेलो एवरीवन, अब मैं बताती हूँ डिटेल में कल क्या हुआ था ना, भात ना लेट चढ़ा। मेरे हिसाब से यही हुआ होगा कि रात के 12 बज गए होंगे ना, 12:30 बज गए थे, तो भात चढ़ा, भात के बाद फिर ना सब लोग जाने लगे, और बारिश का भी मौसम सा हो ही रहा था, और गर्मी तो आपको पता ही कितनी है। मैं आई हूँ जैसे कि बरेली में, एंड सब लोग चले गए, फिर सब लोगों ने बोला कि आप ना परेशान हो जाओगे वहाँ पे, क्योंकि सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जगह क्या होता ही ना, जब बैंकेट हॉल वगैरह बुक करा रखे हैं तो मेहमानों को यहीं ऑब्वियसली यहीं रुकना चाहिए, तो सब लोग ना अपने अपने घर चले गए, क्योंकि सबने हैवी कपड़े पहने हुए थे, एंड उन्होंने बोला कि आप लोग ना यहीं पर रुक जाओ, आपको आपके लिए यहीं पर सेफ है। हम रुक गए, हम इतने ज़्यादा थके हुए थे, हम सो गए, बच्चे तो सो गए भाई। थोड़ी देर बहुत इतनी तेज तेज आवाज़ आई, हम डर गए, अश्विन जी और मैं। अश्विन जी ऐसे झांक के देख रहे हैं, फिर शीशे में से ना जाते हुए मुझे कोई दिखा, फिर तो भाई पक्का डाउट हो गया कि कुछ हो गया है हमारे पास साथ, इतना भयंकर हो गया ना। फिर मैंने अश्विन जी को बोला, मैंने कहा अश्विन जी फ़ोन करो, मतलब जिनका इवेंट है उनको फ़ोन करो, उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला अरे यार आप आराम से सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, अपना ही है सब। फिर मैंने भैया को लोकेशन भेज दी, फ़ोटोज़ भेज दी, वीडियोज़ भेज दी, क्योंकि जो वीडियो वाला सीसीटीवी कैमरा है वो हमारे ही रूम में था। एंड उसके बाद इतना डर लग गया, इसमें जो ना दरवाजे में ना वो लगा दी क्या कुर्सियाँ, मुझे यार अपने लिए नहीं लग रहा था, मुझे ना दोनों बच्चों के लिए लग रहा था यार, हमारे चक्कर में दोनों बच्चे गए। फिर उसके बाद दोबारा हमने फ़ोन किया, जिनके घर इवेंट है उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला आप आराम से सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उसके बाद हम आराम से सो, और जब तक मैं आपको बता रही थी ना तब तक एक तरफ भी यहीं घूम रहा था। तो चलो अभी ना हम जा रहे हैं घर पे। कल भी ऐसा ही रहा था क्योंकि सब लोग थे और फिर पल्ला करना पड़ रहा था, इसलिए मैं कुछ छूट नहीं कर पाई। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से वो है बरेली हवाई अड्डा, ठीक है, और ये है हमारी लोकेशन जहाँ पे हम आए थे शादी। कल रात भी ना घर पहुँचने के बाद ऐसा ही हुआ था कि जब हम आ गए थे ना तो मैं मेहमानों के साथ बिजी हो गई थी,
फिर उसके बाद वीडियो शूट करने का पता ही नहीं चला एंड खाना वाना खाया और अभी भी ऐसे ही होगा। अब मैं जा रही हूँ अंदर और बस तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए बाय। अच्छा गाइस आप ये बताओ, ससुराल से आके ना फेस पे थोड़ा बहुत ग्लो आ गया ना, है ना, कितना अच्छा सा फेस लग रहा है। अल्लाह अल्लाह, कोई गांव का देखेगा ना मुझे तो बोलेगा लल्ली ने पल्ला नहीं कर रखा था। देखो मम्मा कैसी लग रही है। अपने पापा पे ही जाना तू। हमारे हरी रात से जितने भूखे थे ना उनकी दावत अच्छे से। हरी कैसा लग रहा है, इधर देख के बोलो, इधर देख के क्या बोल रहे थे अभी, इधर तो देखो एक बार क्या बोल रहे थे। अच्छा नहीं, एक वर्ड और है, यम्मी टाइप का क्या बोल रहे थे। यम्मी। खा लो खा लो जोर से। आए हाय, अभी हमने खाना खा लिया है, बारात निकलेगी अभी एक दो घंटे बाद। बैंड वाले आ चुके हैं, हम लोग बैठे हुए हैं इधर, बच्चे खेल रहे हैं बाहर। ये है हमारी प्यारी बानी, इनके हैं हम नानी, है ना, नानी है हम इनकी, इनकी नानी है हम। आपकी भी नानी हुआ ना। इनकी भी नानी है, है? बानी छोटी पल्लू उतर गया। मंत्र में शर्मा नाल अंतर फोर बाय सब्जेक्ट जाना युक्त शास्त्र जोधन।